पेपर टू का क्वेश्चन सेवन हम अब डिस्कस कर रहे हैं इस क्वेश्चन में एक रिएक्शन सीक्वेंस दी जिसमें रिएक्टेंट से चार रिएजेंट एरो के ऊपर दिए और प्रोडक्ट पूछा था और प्रोडक्ट में कितने मिथिलीन ग्रुप होंगे मिथिलीन ग्रुप जैसा कि हम जानते हैं सी एच टू होता है तो रिएक्शन यहां पर देखें सबसे पहली ओजोनोलिसिस है ओजोनोलिसिस में यहां एक एल्डिहाइड बन जाएगा और ओजोनोलिसिस uh, के बाद एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन किया एल्डिहाइड्स आर इजी टू ऑक्सीडाइज तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा जो थर्ड रिएक्शन इन्होंने पूछी है वो कोल बेस्ड इलेक्ट्रोलैटिक सिंथेसिस है बेसिक uh, मीडियम में ये सोडियम सॉल्ट में बन जाए बदल जाएगा एक्वस सॉल्यूशन का जब uh, हम इलेक्ट्रोलिस कराएंगे तो uh, इसमें एन एनहेक्जेन बनेगा तो थर्ड रिएक्शन के बाद जहां हम पहुंचे हैं वो है एन एनहेक्जेन और जैसा कि हम जानते हैं uh, ये एरोमेटाइजेशन हाइड्रोफॉर्मिंग रिएक्शन है एन एनहेक्जेन की सी के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो उससे बेंजीन बनता है ये पूरा हाइड्रोकार्बन टॉपिक का एक क्वेश्चन है और बेंजीन में सारे के सारे कार्बन सी एच एक भी इसमें मिथिलीन ग्रुप है ही नहीं तो इसलिए इसका आंसर जीरो होगा अस डिस्कस क्वेश्चन थर्टीन ऑफ पेपर टू ये पूरा क्वेश्चन एरोमेटिक कंपाउंड टॉपिक से निकाल के लाए हैं रोड मैप टाइप्स हैं जिसमें P, Q, R, S और फाइनल प्रोडक्ट पूछा है लंबी सीक्वेंस है लेकिन रिएक्शंस बड़ी कॉमन सी है पहला स्टेप जो सक्सेनिक नाइट्राइड के साथ क्वेश्चन कराया गया है वो क्राफ्ट एसाइलेशन है जिसमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है पी और उसका फिर क्लिमेंसंस रिडक्शन कराया है क्लिमसन्स uh, रिडक्शन में हम जानते ही हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप पर और एरोमेटिक बॉन्ड पर कोई फर्क नहीं पड़ता तो सिर्फ कीटोन का यहाँ रिडक्शन कराया गया है फिर डार्जन प्रोसेस एसोसीएल टू से सी ओ को सी में कन्वर्ट किया आर क्या बना ये भी पूछा था और उसके बाद इंट्रामोलिकुलर फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन से एक कीटोन एस फिर से बनाया और फाइनली उसका फिर से एक बार क्लिमेंसन रिडक्शन करा के एक हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस किया है जो टेट्रा है जो ऑप्शन हैं वो इस तरह के पूछे ऑप्शन ए में पी एंड क्यू आर कार्बोक्सिलिक एसिड्स सो so वी कैन सी यहाँ पर ये यह पी और क्यू दोनों ही कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ये एक सही ऑप्शन है ऑप्शन बी में कहा है कि एस डी कलराइज ब्रोमिन वाटर तो जो ऐसे उसमें कोई एलिफेटिक बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में नहीं है ये ब्रोमीन वाटर को डिकलराइज नहीं करेगा और पी और एस के बारे में पूछा कि हाइड्रोक्साइल अमाइन के साथ ये कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्साइम देंगे तो ये दोनों ही कंपाउंड आप देख सकते हैं कीटोन है और हम जानते हैं कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ ऑक्साइम देते हैं तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है और कंपाउंड आर के बारे में बोला है कि ये डाई एल्का्काइल कैडमियम से यानी आर टू सी डी से रिएक्ट करके टर्शरी एल्कोहल देगा तो आर टू सी डी के बारे में हम ये जानते हैं कि वो कीटोन से रिएक्शन नहीं करता सो वॉट इट इज गोइंग टू डू इज केवल वो रिएक्शन को कीटोन तक ले आएगा आगे नहीं ले जाएगा तो टर्शरी एल्कोहल तो नहीं बनेगा इसलिए ये डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा तो गिवन ऑप्शंस में से इसका आंसर जो है वो ए सी हो जाएगा